बेमेतरा में हुए सड़क हादसे पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बेमेतरा हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और सभी घायल रायपुर के एम्स और नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। घायलों को उनके परिवारजनों से चर्चा हुई है। मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। वही पिकअप वाहनों को बैन करने को लेकर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि ड्राइवर को समझाने की जरूरत है। गांव में इस तरह की गाड़ियां आम हैं। बातचीत और जन जागरण से रास्ता निकलेगा। वही हादसे में परिवारजनों के लिए सहायता राशि की मदद पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ध्यान में सारा विषय है और आगे जरूर उन्होंने सहायता मिलेगी। वही कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि स्टार प्रचारक जरूर आएंगे और हमारे तरफ से भी आ रहे हैं। हम लोगों ने प्रारंभ से लेकर इसे जारी रखा है और कांग्रेस अभी नींद से जागी। और 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और खड़े ट्रक से टकरा गए हैं, ऐसा हुआ है। दो मसले हैं भैया। पहला तो ये है कि जो पिकअप होता है वो गांव में बड़ा सुलभ होता है और सस्ता होता है, इसलिए उसका उपयोग कर लिया जाता है। आप एकदम से उसको कानूनन मना करें, ये अलग मामला है कि कानून क्या कहता है, उसमें क्या नियोजन अच्छे से हो सकता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे अभी श्रीनारायणा में और एम्स में भर्ती हैं, उन लोगों से भी बात हुई है। यहाँ रायपुर के पंडरी वाले जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम एक होना है अभी, और अन्य पोस्टमार्टम हो रहे हैं आपके बेमेतरा में। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, परंतु इस दिशा में कुछ जन जागरण की आवश्यकता है। कुछ जितने भी ड्राइवर्स हैं और स्पेशली पिकअप वगैरह चलाने वाले हैं, उनको भी समझाने बताने की आवश्यकता है भाई। बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिर परेशानी होती है पूरी।